नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेश जैन, नीमच नगर पालिका में भाजपा की परिषद आने से पहले जिस प्रकार से जमीन घोटालों के मामलों की सोशल मीडिया पर चर्चा चली थी, अब भाजपा की स्वाति चोपड़ा की परिषद बनने के बाद देखा जाना है कि स्कीम नंबर 36 जो है हम खड़े हैं, देखा जा रहा है कि किस प्रकार से रातों रात नगर पालिका के अधिपति के जो बोर्ड थे वो यहां से काट दिए गए। बड़ा मामला निकल कर सामने आया। यहां पर इस वक्त हमारे साथ में स्कीम नंबर 36 के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्षद, हम इनसे बात करेंगे आखिर भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी नगर पालिका की करोड़ों की बेशकीमती भूमि है उस पर से रातों रात बोर्ड काटे जा रहे हैं। क्या नगर पालिका एक्शन ले रही है, क्या कुछ भाजपा कांग्रेस सोचती है। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ में ओम दीवान जी, हम साथ में हैं। ओम जी मुझे बताइए, अभी यहाँ पर हम आए हैं, 36 की तस्वीरें जो आ रही है, रातों रात बोर्ड काट दिया गया, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे इसको लेकर। सबसे पहले ये बोर्ड किन व्यक्तियों के इशारे पे काटा गया उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, प्रशासन के जो कलेक्टर साहब थे उन्हीं के निर्देशन अनुसार जो अवैध प्लाट थे उन पे प्रशासन ने अपना काबिज होने का बोर्ड लगाया था। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो रातों रात इन बोर्डों को काट दिया गया, क्योंकि एक तरफ आज से ठीक 3-4 साल पहले जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने का जो शासन था उसमें जीतेन राजे जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने वेद और अवैधों पे जो 34 और 36 का मामला पिछले कई वर्षों से उजागर हो रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं चिन्हित करके बोर्ड लगाए थे। क्या लगता, क्या रातों रात बोर्ड कटना नगर पालिका की भूमि से, आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या सोचती है इस मामले को लेकर। जैसा कि आपने अभी जो इंट्रो दिया था कि सोशल मीडिया पे खबर लगी चली थी कि शहर क्या सुरक्षित हाथों में जाएगा, तो उसका जीता जागता प्रमाण ये आज देखने को भी मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के पार्षद भी, भैया मुझे बताइए क्या मामला, जो तस्वीरें सामने आई है, आप लोग भी पार्षद है, जनता ने चुनकर भेजा है, चूंकि आपके वार्ड के प्रथम नागरिक होते हैं, शहर का दायित्व आप लोगों के हाथ में होता है। तस्वीरें जो कह रही है 36 की तस्वीरें, यहाँ पर रातों रात नगर पालिका के अधिपति की भूमि से बोर्ड कट जाता है, नगर पालिका की जिम्मेदारों पर सवाल खड़े होते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कैसे समर्थन करते हैं, क्या कहते हैं आप। सर्वप्रथम जो ये दुष्कृत्य हुआ है उसका मैं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी जो इसके लिए दायित्वाधीन है उनको अवगत करा दिया गया है सुबह, और उनसे ही मैं उनके माध्यम से इस दुष्कृत के लिए दांडिक और वैधानिक कार्रवाई करवाऊंगा कि ये रातों रात जो एक भू माफिया जो सक्रिय है नीमच में, जैसा कि आप ही के लोगों के माध्यम से हमें प्राप्त समाचार प्राप्त होते हैं कि भू माफिया काफ़ी सक्रिय है, तो ऐसे जो भू माफिया जिनके द्वारा ये दुष्कृत किया गया है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने का मैं संबंधित अधिकारी से कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित करेंगे और करवाएंगे। और साथ ही साथ जैसा आपने बोला है कि भाजपा की परिषद है, भाजपा की अध्यक्ष है, तो मैं बताना चाहूँगा ये बिल्कुल सत्य है कि हम मैंडेटरी से आए हैं और नीमच की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, बहुमत से हैं, परिषद भाजपा की है, किंतु हमारी भाजपा की अध्यक्ष महोदया निष्पक्ष है और उनको स्वयं को काफ़ी आघात पहुँचा है कि इस प्रकार का अगर कोई दुष्कृत्य हुआ है तो ऐसे मतलब जो भू माफिया है उनके खिलाफ। लेकिन अभी तक FIR थाने में नहीं हुई है, अध्यक्ष के लिए मामले मुझे आपको नहीं लगता गंभीर मामला है। नगर पालिका की रिक्शा का, अगर अपने घर में चोरी होती तो सबसे पहले वहां अपन पहुंचते हैं, अध्यक्ष महोदय का क्या यहां आना था या नहीं आना था, मामले में FIR करवानी थी या क्या कुछ सोचते हैं आप। देखिए अध्यक्ष महोदय का तो संज्ञान में आ गई बात, लेकिन जो FIR कराने का दायित्व बनता है वो परिषद की सचिव जो CMO होती है, उनको मैंने सुबह यही मौके से फोन लगाया था किंतु उन्होंने मेरा फोन काट दिया गया, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी नहीं दिया। ये जैसे बता रहे कि CMO का दायित्व बनता है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है, परिषद अच्छा काम कर रही है और बिल्कुल इस कृत्य की भी निंदा करते हैं। योगेश जी अभी पार्षद है काफी समय से सक्रिय, क्या लगता है ऐसे मामलों में नगर पालिका के जिम्मेदारों का क्या प्रथम दशा रुख सामने आना चाहिए। ये जो हम जहां खड़े हैं, जहां बोर्ड गाड़ा गया है वो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष का गृह वार्ड है और उन्हीं के वार्ड में ये बोर्ड काटने की जो घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है। जैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष बनी है पिछले 6 महीनों से 34-36 के अवैध घोटालों को अंजाम देने का कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। आप देखेंगे कई बड़े भू माफियाओं ने निर्माण कार्य चालू कर दिए थे, जबकि पूर्व परिषद के अंदर निर्माण कार्य भी रोके थे और तात्कालिक कलेक्टर जितेंद्र राजे ने 2-3 भूखंड तोड़े थे और कम से कम 25 भूखंडों पर बोर्ड लगाए थे पूर्व में कांग्रेस के शासन जब आया था। लेकिन आप वर्तमान हालातों में देखिए कि किस तरह से जब से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है भू माफियाओं की बल्ले बल्ले होने लगी है, जमीनों का खेल इस तरह से होने लगा है कि आप सोच नहीं सकते। भू माफिया इस तरह से हावी है कि वो रात को आते हैं, ग्राइंडर लेकर आते हैं, नगर पालिका के बोर्ड लगे हुए बोर्ड को काट भी देते हैं, उसके बाद भी अभी तक नगर पालिका अध्यक्ष जी को ये भी नहीं मालूम है कि बोर्ड कट गए हैं, ये झूठ बोलना है। नगर पालिका अध्यक्ष जी के सब संज्ञान में है और मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी को अगर वास्तविकता में ईमानदारी है
तो उन्हें तत्काल जाकर वो एफ आई आर दर्ज करवानी थी, और अगर एफ आई आर दर्ज होती है तो हम मानेंगे वास्तविकता में नगर पालिका अध्यक्ष ईमानदार है। लेकिन साथ ही मैंने सीएमओ मैडम को सुबह अवगत कराया था, सीएमओ मैडम ने कहा था कि मैं अभी भेज रही हूँ, उसके बाद दो अधिकारी यहाँ पे आए भी थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नीमच नगर पालिका के जो अधिकारी है, चाहे वो राजस्व शाखा के अधिकारी हो, निर्माण शाखा के अधिकारी हो, ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरह के लोग करने वाले कार्य है, ये जो प्लाटों के खेल है, ये भी अधिकतर उनसे कहीं ना कहीं उस पार्टी से जुड़े हुए लोग ही हैं, और उनको संरक्षण मिला हुआ है, अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। और अधिकारी रोकना चाहूंगा अरुण जी, सबसे पहले तो बड़े गंभीर आरोप लगाएं कि पार्टी के लोगों का ही संरक्षण है, इसलिए सीएमओ जो गृह क्षेत्र कह सकते हैं, अध्यक्ष का गृह वार्ड जो है उसमें इतनी गंभीर तस्वीरें देखी जा रही। लगातार जमीन को लेकर, भाजपा बनने के बाद से जमीन घोटाले को लेकर आपकी अध्यक्ष चर्चाओं में, आपकी परिषद चर्चाओं में क्या कुछ कहते हैं, सोचते हैं इस मामले को लेकर क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं इस मामले को लेकर बस यही कहना चाहूंगा आपके सामने कि यह स्पष्टवादी परिषद बैठी है, और इस बार जितने भी पार्षद चुनकर आए और जो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष मैडम है, उन्होंने शुरू में ही भूमि अपव्यय के लिए जो भी जो स्टेप की जो घटना अभी हमने देखी है, उन्होंने उनके विचार स्पष्ट शुरू में ही कर देते हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो हम आपके सामने भी नहीं खड़े रहते हैं। नहीं, पर अरुण जी, विचारों और धरातल पर अमल में बहुत डिफरेंस होता है। मेरा मानना आप लोग आए बिल्कुल काबिले तारीफ है, एक पार्षद होने के नाते आपका दायित्व होता है नगर पालिका की जमीन की रक्षा करना, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं है। लगभग कुछ पत्रकार साथियों ने फोन पर चर्चा करी, बोले मेरे संज्ञान में नहीं है। बल्कि जब घर में चोरी होती है तो सबसे पहले मालिक को पूछना होता है, यहाँ की मालिक कौन है। हो सकता है किसी कारणवश हो नहीं आ पाए होंगे, या किसी काम में कहा होंगे वो, बाकी उस बात को लेकर अगर आप इसको मुद्दा बनाओ तो उसका कुछ हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल निष्पक्ष होगी और स्पष्टवादी होगी। क्या एफआईआर होगी मामले में थाने में? बिल्कुल होगी, और हम बिल्कुल बातचीत करके कल पार्षद जितने भी साथी हैं हम, और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम जितने भी भूमि माफिया वगैरह है उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं करने में लगे हुए हैं उनके मसूमे बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। क्या और तस्वीरें आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, या इसी में ऐसा नतीजा जाएगा, सबक जाएगा, कोई भूमि माफिया दोबारा नगर पालिका की जमीन पर कब्जा नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आगे ये जो दुष्कृत्य हुआ है इसके खिलाफ भी हम गंभीर हैं, और इसके सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश हमने अधिकारियों को दे दिए हैं। अब दायित्व अधिकारियों का बनता है कि तुरंत उसकी एफआईआर कराएं। रात में चोरी छुपे जो लगता है अधिकारियों को सिर्फ दायित्व देने से काम चल जाएगा? जिम्मा ड्राइवर का होता है, ड्राइवर नगर पालिका अध्यक्ष होती है, अधिकारी काम नहीं करता, सरकार भाजपा की है। नहीं, बिल्कुल हम सख्त निर्देश दिए हमने कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए, और उसमें कोई भी और आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हुए हमें नगर हित में सोचना चाहिए। जैसे मेरे साथी पार्षदगण योगेश जी प्रजापति बार बार कह रहे हैं कि नगर पालिका के भाजपा के पार्षद है, उनका संरक्षण है, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम सुबह मैं ही आया था मौके पर, और मैंने ही यहाँ पर अवगत कराया था सबको, साथ ही मेरे योगेश जी भी साथ। कार्रवाई की उम्मीद करें, क्या करें, बस दो शब्दों में हम जानना चाहेंगे, कार्रवाई होगी एफआईआर या नहीं? सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ के स्थानीय रहवासियों से जानकारी ली जाएगी कि रात में चोरी छुपे कौन व्यक्ति आए थे और किन्होंने ऐसा दुष्कृत्य किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि हमारे साथ में भाजपा और कांग्रेस दोनों की पार्षद है, तस्वीर आपको बता दूं, जहां पर स्कीम नंबर 36 की तस्वीर है, जहां पर रातों रात भूमाफियाओं द्वारा नगर पालिका की सरकारी भूमि ज्योति अधिपति का बोर्ड लगा हुआ था उसे काट दिया गया। कहीं न कहीं भूमाफिया के हौसले बुलंद हो रहे, कांग्रेस इसको लेकर आरोप लगा रही है, और भाजपा के पार्षदों भी दो टुक शब्दों में कहा है कि दोषी कोई भी हो उन्हें सबक सिखाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में क्या नपा की भूमि पर इस तरह की तस्वीरें देखी जाएगी, या फिर दोषियों के खिलाफ नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कार्यकाल में सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी।